धार जिले की सभी तहसील बदनावर, पीथमपुर, धर्मपुरी, मनावर, कुक्षी, गंदवानी, डही, सरदारपुर में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें 9425046807। धार कृषि उपज मंडी में हुई लाखों रुपए की चोरी को धार पुलिस ने किया खुलासा। धार की अनाज मंडी में लाखों रुपए की चोरी से पुलिस के अलावा व्यापारी और आम लोगों में भी हड़कंप मच गया था। यह घटना धार पुलिस के लिए चुनौती बन गई थी, जिसे धार पुलिस ने 48 घंटे में ही दो चोरों को गिरफ्तार कर चोरी का पर्दाफाश किया। एडिशनल SP देवेंद्र पाटीदार ने पत्रकार वार्ता में अनाज मंडी में हुई चोरी का खुलासा करते हुए बताया कि धार पुलिस के लिए अनाज मंडी में लाखों रुपए की चोरी चुनौतीपूर्ण कार्य थी, जिसे 48 घंटों में ही सुलझा लिया गया। इस घटना में फरियादी का नौकर ही मुख्य षड्यंत्रकारी निकला। फरियादी संदीप यादव के यहाँ काम करने वाला राहुल खराड़ी निवासी गंजीखाना तथा उसका साथी रोहित राणा निवासी निस चौक को गिरफ्तार कर उनसे 16 लाख रुपए नकदी बरामद कर लिए गए। दो आरोपी लोकेश हरोड़ निवासी नौगांव व हिमांशु मराठा निवासी खारबावड़ी चिटनिस चौक फरार हैं, जो जल्द ही पुलिस गिरफ्त में होंगे। पुलिस के अनुसार इस घटना में 18,86,000 रुपए चोरी गए थे, जिसमें से 16 लाख रुपए नकदी बरामद कर लिए गए हैं। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान FM की रिपोर्ट। थाना कोतवाली अंतर्गत 17 और 18 दिसंबर की रात्रि में संदीप यादव की जो एक दुकान मंडी परिसर में थी, उसमें एक नकबजनी की घटना घटित हुई थी। घटना के कारण मंडी में काफ़ी आक्रोश भी था और उस घटना में करीब 18,86,000 रुपये का मसरूका प्रथम दृष्टया जाना संज्ञान में भी आया था। चूँकि एक गंभीर घटना थी, पुलिस के द्वारा इसके चैलेंज के रूप में लिया और पुलिस की जो टीम थी उसमें CSP देवेंद्र धुर्वे, थाना प्रभारी समीर पाटीदार, उनकी पूरी टीम ने पूरा इस घटनाक्रम को बहुत ही गंभीरता से लेके घटनास्थल का मुआयना किया, साइबर की भी मदद ली, वहाँ के CCTV कमाले और आसपास के लोगों से चर्चा की और वहाँ पर काम करने वाले उनके लोगों को संदेह के घेरे में लिया और घटनाक्रम में जब घुसे तो मुख्य रूप से राहुल खराड़ी संदिग्ध रूप से आया, जो कि उसी के यहाँ पर काम करने वाला बॉडीगार्ड था। जब उससे गंभीरता से पूछताछ की तो पूरा मामले का खुलासा हुआ है और उसने अपने साथी रोहित राणा और दो अन्य उसके साथी थे लोकेश और हिमांशु, उनकी मदद से ये घटना घटित की है। जो दुकान के अंदर घुसने का जो रास्ता था छोटा सा, उस रास्ते से लोकेश और हिमांशु के द्वारा घटना घटित करना बताया, ये भी मौके पर साथ में मिलकर घटना की है। घटना में अभी तक 16 लाख रुपये की जब्ती कर चुके हैं। दो आरोपी फरार है, लोकेश और हिमांशु, उनसे भी शेष कार्रवाई होनी है। इस घटना को बहुत ही गंभीरता से लेने के बाद में पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। जो राहुल खराड़ी है वो बॉडीगार्ड होने के अलावा बाउंसर का काम करता है और साथ में इसी तरह के लोगों को रखता है, कहीं ना कहीं उसकी शोहरत भी ख़राब है। पुलिस इस दिशा में भी कार्रवाई कर रही है और घटना में हमारे अन्य साथी SI नीलेश यादव, धर्मेंद्र तोमर, सुनील आसिफ, प्रदीप राम नरेश, अरविंद प्रभु और साइबर की टीम, जिसमें त्रिलोक, भैरू सिंह देवड़ा और प्रशांत, बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय कार्य रहा है और घटना को हम लोगों ने खुलासा किया। सर, जो फरियादी था उसने कितने रुपए की चोरी की शिकायत की थी? उसके द्वारा जो भी अलग से राशि बताई थी, किंतु जब उससे रिकॉर्ड पे लिया गया है तो 18,46,000 रुपये सामने आए हैं। दो लोग और अभी इसमें पकड़े जाने हैं, अगर और कोई तथ्य आएगा तो कार्रवाई करेंगे। Subscribe now to most exciting channel ever.